पिछले 8 दिनों से मातापुर पांजरेपार शिवरा में रोजाना एक बाघ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते किसान खेत में जाने से डर रहे। इन्हीं सारी चीजों के बीच मातापुर शिवरा की एक महिला किसान विठाबाई गोमा खरत ये खेत में अपना काम कर रही थी, तभी अचानक उनके पीछे बाघ आकर खड़ा हुआ। महिला उसे देख कर डर गई और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली। महिला इतनी डर गई थी कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इसी बीच वो एक पेड़ पर चढ़ गई। बाघ ने महिला का पीछा किया और वो भी पेड़ तक पहुंच गया। इस दौरान महिला बहुत चिल्लाई, लेकिन उसके मदद के लिए कोई भी नहीं आया। बाघ ने भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार महिला ने हिम्मत जुटाई और उसके पास रखे कोयते से बाघ को डराया, जिससे बाघ डरा और वहां से भाग निकला। बाघ चले जाने की पुष्टि होते ही महिला पेड़ से नीचे आई और सकुशल घर पहुंच गई। महिला की किस्मत ने इस वक्त उसका साथ दे दिया, हालांकि वो बाघ अभी भी घूम रहा है। इस बारे में किसानों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन पास के खेत में कोई वन कर्मी गश्त पर नहीं आया है, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या वन विभाग किसी किसान की जान जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तिथल्याच वेळामधी फेकलो असा इराने वरत झाडाव जंगल गेलो तरी तो जाईना झाडाच्या भोवताल फिरे खंड्या मोल्य त्यानं दोन आणि मग मी वरतच राहिलो। मग हाट हाट करता करता मग चालला गेला तर आलाच नाही दुबार। कुराड घेऊन या मनुष्याने असा आवाज दिला मीन हे नदीच्या त्या काठ होते। या बाबतीत वन विभागाची सूचना केली का तुम्ही? बेसन न्यूज के लिए भिवापुर से राम बागमारी की रिपोर्ट।